चलिए आज हम आपको दिखाते हैं जो हमारे जो जादूगर हैं, जो हमारे बच्चे छोटे छोटे जादूगर हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन ड्राइंग बनाया है। देखिए ये जो बनाया है गुरु तेज बहादुर जी का है, काफ़ी बेहतरीन बनाया है। ये बच्चा 7th क्लास का है, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन बनाया है, इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। ये देखिए इसने पेंसिल से बनाया और काफ़ी शानदार बनाया है। थोड़ी दाढ़ी जो है वो इनकी थोड़ी छोटी बनाई है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन बनाया है ना। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े बच्चे ने बनाया, लेकिन बनाए हमारे छोटे जादूगर। थोड़ा इसने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है, लेकिन इसने थोड़ी सी लगता है नींद में बनाई है, और फिर भी नींद में बनाया है, बट अच्छा बनाया है। और देखिए बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ड्रॉ किया गया है यहाँ पे, तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये भी। और ये बहुत ही शानदार बनाया गया हमारे छोटे छोटे जादूगर के द्वारा। अब ये देखिए इंडिया का मैप, हिंदी दिवस भी हमारे यहाँ बनाया गया था, बहुत बेहतरीन बनाया बच्चों ने। इसमें देखिए जो हम छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो जो वो याद करते हैं, इसने किताब में लिख डाली, क्या बात है, डिक्शनरी बना दी इसने तो। चलिए देखते हैं, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्या बात है। उसके उपलक्ष्य में जो हमारे जो जयंती मनाई जाती है सितंबर महीने में, उसमें इन्होंने ड्राइंग बनाया, देखिए काफ़ी बेहतरीन बनाया है इन्होंने, देखिए क्या बात है। छोटे छोटे जब बच्चे बनाते हैं ना किसी चीज़ को तो काफ़ी प्यारा लगता है। देखिए ये ऐसा लग रहा है ऐसे वो जो सुराही बनाने वाले जो होते हैं ना, जो ऐसा गोल गोल घुमाते हैं, क्या बताते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए लीडो की तरह लग रहा है, डाइस की तरह लग रहा है, काफ़ी बेहतरीन। ओहो, लेकिन इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि 1 2 3 4 जो डॉट्स बने होते हैं वो नहीं है ना, कोई बात नहीं, बनाओ तो बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, काफ़ी बेहतरीन है। हिंदी दिवस में देखिए इन्होंने झंडे गाड़ दिए, कार्टून भी बना दिए, कार्टून पे झंडे गाड़ दिए, गलत बात है, ऐसा ना क्या करो, कार्टून पे झंडे नहीं गाड़ना है। उसके बाद हिंदी दिवस में इसने काफ़ी बेहतरीन बनाया है, देखिए काफ़ी बेहतरीन है। छोटे छोटे बच्चे जब बनाते हैं ना किसी को बहुत प्यारा लगता है, खास करके हमें इस जो है आर्ट बहुत पसंद है, जो हाथ से ड्रॉ किया जाता है, और काफ़ी प्यारा भी लगता है, मेहनत भी दिखती है, प्यारा भी लगता है। हिंदी दिवस के ये देखिए किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, इसमें बाद इसमें क ख का भी लिखा गया है हिंदी दिवस के 14 सितंबर। वाओ, वेरी नाइस। देख किसी किसी आर्ट को अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे मीनिंग्स उसमें छुपे होते हैं, जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा वाओ वेरी गुड नाइस, एंड एक दिमाग के लिए साइकोलॉजिकली भी एक पीसफुल मिलती है। अगर आप किसी आर्ट रूम में जाओगे, किसी म्यूजियम में जाते हो, तो एक बहुत ही शांति सा हमें अनुभव होता है, पीसफुल लगता है, और हम उस चीज़ को बारीकी से समझते हैं, अपने दिमाग में रीड करते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी दिवस देखिए बहुत ही अच्छा है इसने। उसके बाद थिंक बिफोर इट्स टू लेट, स्टे होम बी सेफ, इसमें इसने एक सीख भी दी है, कोरोना जो है हमारा एक तरफ पोल्यूशन है एक तरफ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। काफ़ी इसमें आपको एक लेसन छुपा हुआ है कि आप इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। एक छोटी सी ड्रॉप है, एक छोटी सी पिक है, तो उसमें आपको बताया जा रहा है पॉल्यूशन से कैसे बचना है, कोरोना हुआ, वेरी नाइस। एंड ये देखिए हिंदी दिवस की काफ़ी, देखिए कितने अच्छे इसने मोर के पंख हाथ बनाए हैं, और पुराने ज़माने में लोग मोर के पंख का यूज़ करते थे लिखने में, और थोड़ा सा ये ओरिजेंटल हो गया है। उसके बाद आप इसको देख रहे हैं, है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे भी।